फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी स्टेफिसेग्रिया के बारे में। स्टेफिसेग्रिया एक इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है। ये साइकोसिफिलिटिक मियाजम में आती है। साइकोसिफिलिटिक का क्या मतलब होता है, ये आपको मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उसके पहले मैं बताती हूँ कि स्टेफिसेग्रिया की हिस्ट्री क्या है। फ्रेंड्स, स्टेफिसेग्रिया को ओल्ड टाइम्स में टूथेक के लिए यूज किया जाता था। टूथेक के लिए इसके बीजों को पीस करके इसको दांत में जब अप्लाई करते थे, तब इससे नौजिया और वॉमिटिंग इंड्यूस होती थी और उसके बाद टूथेक में आराम मिल जाता था। तो इसीलिए इसको टूथेक के लिए और वॉमिट इंड्यूस करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ किया जाता था। लेकिन फिर बाद में जब इससे होम्योपैथिक मेडिसिन बनी तो कुछ और इम्पॉर्टेंट इसके फंक्शंस पता चले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका माइंड कैसा रहता है, मतलब इस मेडिसिन का थीम क्या है। हर वीडियो में सबसे पहले मैं थीम बताती हूँ। थीम का मतलब होता है ये किस तरह के लोगों को सूट करती है, मतलब कि जब होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रूव किया गया तो उसके सिम्टम्स क्या थे, और अगर आपके सिम्टम्स भी वैसे ही होंगे तो टोटल क्योर पॉसिबल है। मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पहले थीम की बात करते हैं। फ्रेंड्स, स्टेफिसेग्रिया का सबसे अच्छा रिजल्ट मुझे मेल पेशेंट्स में मिलता है। स्पेशली जो सिम्टम्स की बात करते हैं, किस तरह के लोग होते हैं ये, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव लोग होते हैं। पहली चीज़, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। हम खुद से दूसरे को क्या बोल रहे हैं या दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, इस बात के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं। मतलब अगर वो, मैं भी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई इंसान ऑफिस में है, उसके बॉस ने उसको डांटा, तो उसको पता है कि उसको गलत बात के लिए डांट पड़ रही है, उसकी फॉल्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है। बॉस के साथ तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, लेकिन अगर इक्वल कुली के साथ भी अगर ऐसी कोई बात होती है तभी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, उसको वापस जवाब नहीं देता है, क्योंकि ये लोग काफ़ी अंदर से काफ़ी ज़्यादा नोबल टाइप के होते हैं, अपनी इमेज का बहुत ख्याल रखते हैं। उनको लगता है कि वो किसी के साथ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होकर के अपनी इमेज खराब करेंगे, तो इसीलिए वो जवाब नहीं देते हैं। लेकिन जब वो घर जाते हैं, गुस्सा उनके अंदर रहता है, उसको निकाला नहीं, घर जब जाते हैं तो कई बार उनके अंदर गुस्से में हाथ पैर कांपने लगते हैं, सिर तेज होने लगता है, चक्कर आ जाता है। तो ऐसे लोग, जिन लोग अपने गुस्से को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उनके लिए है स्टेफिसेग्रिया। कैंसर की भी हिस्ट्री यही है फ्रेंड्स, कि कैंसर में क्या होता है कि जब इंसान अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, अंदर अंदर भरता रहता है। बहुत ज़्यादा जो कैंसर के स्टडीज़ की गई, उसमें पाया गया कि जो लोग अपनी बातों को दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर अंदर बिल्टअप करते रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कैंसर डेवलप करने के। तो इसीलिए ये एक साइकोसिफिलिटिक मेडिसिन है। फ्रेंड्स, साइको का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हो, किसी से बदला लेने का प्लान कर रहे हो, और सिफिलिटिक का मतलब होता है कि आपने प्लान जो किया उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, उसको पूरा कर रहे हो। साइकोसिफिलिटिक टाइप के पेशेंट्स होते हैं ये लोग। सोसाइटी में बहुत अच्छा अपना नाम कमाते हैं और उस नाम को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये जो एफर्ट लगाते हैं उनको पे नहीं कर रहा होता है, तो उनको लगता है कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ कोई मतलब नहीं है इसका। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब ये गुस्से को एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जब एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्सा करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको गुस्सा कब आया था लास्ट टाइम याद नहीं होगा, उनके लिए ही होती है स्टेफिसेग्रिया। ये लोग अपने गुस्से को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाते हैं, चीज़ों को तोड़ना फोड़ना ये भी होता है। लेकिन पूरी कोशिश करते हैं कि वो अपने जो अंदर इंटरनल फीलिंग है, जो गुस्सा है, उसको दबा के रख लेते हैं। इसीलिए ये मेडिसिन दी जाती है फॉर मॉर्टिफिकेशन एंड इंडिग्नेशन। जो लोग दूसरों को सहते रहते हैं, दूसरों के अंडर में रहते हैं, अपनी एक्सप्रेस फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, उनके लिए होती है स्टेफिसेग्रिया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिन इसलिए है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान बहुत अच्छे बैकग्राउंड से आ रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के बीच में पड़ गया है कि जहाँ पे उसको गलत चीज़ें सुननी पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ कह नहीं पाता, तो अंदर अंदर बहुत सारी बीमारियाँ वो अपने अंदर बना लेता है, तो उनके लिए होती है स्टेफिसेग्रिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि सेक्शुअल स्फीयर पर भी ये आदमी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। स्पेशली मास्टरबेशन के केसेस में जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया होता है, उनके लिए होती है, और जो लोग यंग एज में भी ऐसा कर चुके होते हैं, उनके लिए भी स्टेफिसेग्रिया बहुत अच्छी मेडिसिन है।
ये अपने फीलिंग, चाहे वो सेक्सुअल फीलिंग हो, फिजिकल नीड्स हो, मेंटल फीलिंग्स हो, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हुए भी अपनी बात कह नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं। और जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपने सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हैं, और इसीलिए स्टेफिसेग्रिया इन केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। ये माइंड सिम्टम्स की बात करने के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है आईलिड्स। फ्रेंड्स, आईलिड्स के ऊपर कई तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे बार बार अगर स्टाई हो जा रही है, जिसको हम हिंदी में बिलनी बोलते हैं, या क्लेजियन, जैसे यहाँ के पलक के ऊपर अगर आपको क्लेजियन हो जाता है, उन दोनों केसेस में बहुत अच्छा काम करती है स्टेफिसैग्रिया। स्पेशली अगर बार बार आपको स्टाई हो रही है, बार बार आपको आंखों के ऊपर बिलनी सी हो रही है, तो उन केसेस में स्टेफिसैग्रिया बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा ये काम करती है आपके स्टमक पे। स्टेफिसैग्रिया उन लोगों को बहुत अच्छा सूट करती है, या अगर आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं कि आपने खाना खाया, फिर से आपको भूख लग रही है, बार बार भूख लग रही है, खाने के बाद भी आपकी फीलिंग नहीं खत्म हो रही खाना खाने की, ऐसे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तभी भी आप स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। या फ्रेंड्स, एक और कंडीशन होती है जिसमें आपका पेट का कोई ऑपरेशन हुआ हो, कोई सर्जरी हुई, लिथोट्रिप्सी हुई, या गॉल ब्लैडर का कोई सर्जरी हुई हो, या कोई भी ऑपरेशन आपका हुआ हो, उसके बाद खाना नहीं पचता हो, वॉमिट हो जाती हो, बहुत ज़्यादा नौजिया सी जैसी फीलिंग आती हो, तो उन दोनों कंडीशन में भी आप स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। इसके अलावा टूथेक के केसेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टूथेक के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अगर आपको टूथेक हल्का सा टच करने पर ज़्यादा पेन फील होता हो, लेकिन खाना खाने में, चबाने में कोई दर्द नहीं होता हो, मतलब टच से पेन हो रहा है लेकिन प्रेस करने से पेन नहीं हो रहा है, उन केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो टूथ होते हैं उनके एजेस आपके टूट रहे हैं, मतलब जो आपके दांत हैं उनके किनारे किनारे टूटते चले जा रहे हैं, वो ख़राब हो रहे हैं, तब आप स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। तो टूथे की इन कंडीशंस में लेनी है, पेट की इन कंडीशंस में लेनी है, अगर वॉमिट आपको फील हो रही है, कोई ऑपरेशन आपका, सर्जरी हुई है, उसके बाद आपको खाना नहीं पच रहा है, खाना सारा निकल जा रहा है वॉमिट के थ्रू, तब आप ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, सिस्टाइटिस के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सिस्टाइटिस का मतलब होता है ब्लैडर का इन्फ्लामेशन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन दैट इज गिवन इन केसेस ऑफ हनीमून सिस्टाइटिस। तो हनीमून के टाइम पे अगर आपको बहुत ज़्यादा यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको बर्निंग हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको वेट करना पड़ता है यूरिन स्टार्ट करने के लिए, कोई भी ऐसी कंडीशन चाहे मेल्स में हो रही हो चाहे फीमेल्स में हो रही हो, सिस्टाइटिस की कंडीशन अगर आपको इस टाइम पे हो रही है, तब आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इन दैट केस। तो सिस्टाइटिस के अलावा ये दिया जाता है ब्लैडर के प्रोलैप्स में। अगर ब्लैडर की वीकनेस हो गई है, ब्लैडर अपनी जगह से खिसक गया है, उन दोनों कंडीशंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो सिस्टाइटिस के केस में या ब्लैडर के प्रोलैप्स के केस में, तो इन दोनों केसेस में इफेक्टिव है। इसके अलावा बात करते हैं स्किन की क्या कंडीशंस हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टेफिसैग्रिया मेडिसिन होती है, स्किन के केसेस में भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। स्किन के केसेस में ये दिया जाता है एक्जिमा में, और इसका एक्जिमा काफ़ी ज़्यादा पिक्यूलर होता है। एक्जिमा में खारिश करने के बाद येलो कलर का चिपचिपा लिक्विड निकलता है, लेकिन आपने खारिश किया तो दूसरी जगह पे खारिश स्टार्ट हो जाएगी, फिर वहाँ पे खारिश किया तो तीसरी जगह, तो फैलने वाली इचिंग होती है, इचिंग बढ़ती चली जाती है, और इसी के साथ साथ जो एक्जिमा है या एक्जिमा का जो वेसिकल है वो अलग अलग जगहों पे बदलता जाता है। एक जगह पे ठीक होने के बाद दूसरी जगह पे ये चेंज होता रहता है, इचिंग चेंजेस द पोजिशन, ये इसका सिम्टम होता है कि अगर आपने इचिंग किया तो पोजिशन चेंज हो गई, दूसरी जगह पे आपको इचिंग होने लगी। अगर ऐसी कंडीशंस हो रही हैं तब आप एक्जिमा के केसेस में स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। क्लेजियन या आई के सिम्टम्स में मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कंडीशंस में दिया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, आर्थराइटिक नोडोसिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें गांठे से अगर पड़ जाती हैं, फिंगर नेल्स के आसपास गांठे पड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन रहती है, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा मेल सेक्स प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, जिन लोगों ने शुरू से ही, यंग एज से ही अपने सेक्सुअल ऑर्गन को एक्सप्लॉइट किया हो, उसके बाद अब बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करते हों, उनके लिए ये बेस्ट मेडिसिन है। ये यंग एज लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा ये दिया जाता है, सेक्सुअल डिजायर्स कम हो गई हैं, सेक्सुअल ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा वीक हो गए हैं, रिलैक्स्ड हो गए हैं, उन केसेस में दिया जाता है।
इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पेशेंट होता है वो ओपनली अपने सेक्सुअल डिज़ायर सेक्सुअल थॉट्स को किसी के सामने कह नहीं पाता, लेकिन अंदर अंदर वो सेक्सुअल थॉट्स पे ही एग्जिस्ट करता है, सेक्सुअल थॉट उसके दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन क्योंकि उसको अपनी इमेज बनानी है और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कि उसको कोई बात बुरी लग सकती है, किसी को अगर सामने वाले को बात एक्सप्रेस किया उसको बात बुरी लग सकती है, तब वो अपने जो भी अपने थॉट्स है जो भी अपने सेक्सुअल फीलिंग्स है वो एक्सप्रेस नहीं करता है, तो अपने सेक्सुअल थॉट्स को भी वो सप्रेस करता है। तो इसमें सप्रेशन बहुत ज़्यादा मार्क्ड है, अपने एंगर को भी वो सप्रेस करता है, एंगर को भी शो नहीं करता है, अपने डिज़ायर्स को भी शो नहीं करता है, तो ऑल एंड ऑल सिर्फ क्योंकि उसको अपनी एक इमेज बनानी है, अपना रुतबा बना के रखना है, और वो नहीं चाहता कि कोई उसके बारे में कुछ गलत सोचे, सिर्फ इसलिए वो अपने सिम्टम्स को अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करता है। तो अगर ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, कोई इंसान सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचता है इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचता हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो कि मेरे बारे अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे बारे में सामने वाला क्या सोचेगा, अगर इस धारणा के आपके माइंड है और आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। तो स्टेफिसैग्रिया एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है अगर आपके अंदर गुस्सा दबा हुआ है, सेक्सुअल फीलिंग्स दबी हुई हैं, या आपने सेक्सुअल ऑर्गन्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया हो, उसके बाद अब आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो, आपको ब्लैडर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ब्लैडर का प्रोलैप्स हो सकता है, स्टाई हो सकता है, या एक्जिमा जो कि बार बार अपनी जगह चेंज करता हो, अगर ये सारे सिम्टम्स आपके अंदर मिलते हैं तब आप स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि माइंड और अपने फिजिकल नीड्स दोनों को वो सप्रेस करता है, एक्सप्रेस नहीं करता है, बट अगर वो कभी करता है तो बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है, इतना ज़्यादा गुस्सा वायलेंट होता है कि इंसान आके बोलता है कि मैंने इतने साल पहले इतना तेज़ गुस्सा किया था। अगर ऐसे वाले सिम्टम्स होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो पेशेंट होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो वो इतने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं कि हर छोटी से छोटी चीज़ की वो परमिशन लेके चलते हैं। अगर आपके केबिन में, डॉक्टर के केबिन में कोई पेशेंट ऐसे आता है, सबसे पहले पूछता है कि डॉक्टर साहब मैं बैठ सकता हूँ, मतलब दे आर सो मच ओबीडियंट, बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं अपने बारे में। तो ये एक बस छोटा सा एग्जाम्पल है कि बहुत ज़्यादा वो सोचते हैं कि कोई उनको कुछ कह ना दे, इस फीलिंग के साथ वो हमेशा रहते हैं। तो स्टेफिसैग्रिया बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि अपने माइंड सिम्टम्स को ज़रूर मैच करना है। अगर आपके माइंड सिम्टम्स ऐसे ही हैं जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप बेशक स्टेफिसैग्रिया ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि पोटेंसीज क्या क्या लेनी है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, आपको 30 पोटेंसी लेनी है। सबसे पहली चीज़, अगर आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम है तब आपको 30 पोटेंसी लेनी है, आपको सिस्टाइटिस की प्रॉब्लम है तब आपको 30 पोटेंसी लेनी है, आपको अगर वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है ऑपरेशन के बाद, अगर सर्जिकल ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही तब आपको लेनी है, 200 पोटेंसी आपको लेनी है अगर आपको स्टाई की प्रॉब्लम है, क्लेजियन की प्रॉब्लम है, तब आपको 200 पोटेंसी लेनी है, और आपको 200 पोटेंसी तभी भी लेनी है अगर आपको सेक्सुअल वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई, मास्टरबेट करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है तब आप ले सकते हैं, मेंटल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता हो, वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती हो, सेक्सुअल थॉट्स हमेशा दिमाग में बने रहते हों और मेंटली आप काफ़ी ज़्यादा वीक फील करते हों, तब आपको लेनी है 200 पोटेंसी। 1 एम पोटेंसी को आपको डॉक्टर के सजेशन या मेरे से डायरेक्ट बात करके ही लें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो 1 एम पोटेंसी आप खुद से नहीं लें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है स्टेफिसैग्रिया, वो सिम्टम्स जिनमें आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आए हो, कोई भी डाउट्स रह गए हों, कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हो, या आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई कि ईच एंड एवरी क्वेरी का रिप्लाई करूँ। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टेफिसैग्रिया के बारे में, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली साथ ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।